गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टारगेट कोचिंग सेंटर पर। आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे आज के टॉपिक में परिमेय संख्याओं के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं की गुणा, जोड़ घटा, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टॉपिक हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में होती हैं, परंतु हर का मान जीरो नहीं होता। जैसे 3/5, 3 यहां अंश तथा 5 हर है। यदि हर का मान जीरो नहीं है तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे, 4/5, -3/0, 2/6, 4/8, 5/0, 0/5। तो हमने यहाँ देखा 4/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ हर का मान जीरो नहीं है। -3/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ हर का मान जीरो हो गया। 2/6 परिमेय संख्या है, 4/8 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ हर का मान जीरो नहीं है। 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हर का मान जीरो है। यदि हर का मान जीरो होता तो वह परिमेय संख्या नहीं होती है। 0/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि हर का मान जीरो नहीं है। परिमेय संख्याएं पुनः एक बार समझेंगे। परिमेय संख्याओं की परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं परंतु Q का मान जीरो नहीं होता, वह परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं को हम भिन्न भी कहते हैं। अब जानकारी प्राप्त करेंगे हम भिन्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। भिन्न के प्रकार की बात करें तो भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न तथा संयुक्त भिन्न। इन्हें हम मिश्र भिन्न भी कहते हैं। बात करें उचित भिन्न की, उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिनमें हर का मान अंश से अधिक होता है। ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती हैं। जैसे 4/5, यहाँ 5 बड़ा है और 4 छोटा है। 3/4, 7/8, 12/17, यदि हर का मान अंश से ज़्यादा है तो वह उचित भिन्न कहलाती हैं। बात करें अनुचित भिन्न की, तो अनुचित भिन्न वह भिन्न होती है जब हर का मान अंश से कम होता है। तो वह भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 12/5, 17/8, 17/5, यदि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कम है तो वह अनुचित भिन्न कहलाती है। संयुक्त भिन्न एक पूर्णांक तथा एक उचित भिन्न को मिलाने पर बनती है। जैसे 2/3/5, पढ़ने का तरीका क्या है, 2/3/5, 4/1/4, 2/1/3, यह सभी संयुक्त भिन्न हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भिन्न को जोड़ना। तो भिन्न का जोड़ना दो प्रकार से हम जोड़ सकते हैं भिन्नों को, लासा विधि द्वारा और एक शॉर्टकट विधि द्वारा। इसका शॉर्टकट देखेंगे क्या है। पहले हम लासा विधि के द्वारा एक सवाल देखेंगे और उसके बाद शॉर्टकट विधि से। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को कट ना करें, पुस्तक करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। लासा विधि द्वारा हमने देखा 3/5 प्लस 4/3, यदि मुझे इन दोनों भिन्नों को जोड़ना है, ये दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सर्वप्रथम 5 और 3 दोनों का लासा लेते हैं। 5 और 3 दोनों का लासा कितना आएगा, 15। 5 और 3 दोनों का लासा 15 है। 5 का पहाड़ा 15 तक पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब 5 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा
तब जाके 15 प्राप्त हुआ। इसीलिए हम 3 का पहाड़ा भी 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 5 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा, तो 3 × 3 = 9 प्लस प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 15 आता है, इसीलिए 4 का पहाड़ा भी 5 बार पढ़ेंगे, 4 × 5 = 20। इस प्रकार हमें जो योग प्राप्त हुआ वो 20 और 9 = 29/15 प्राप्त होता है। अब देखेंगे हम शॉर्टकट विधि से इस प्रश्न को कैसे करेंगे। 3/5 + 4/3, इस तरह से अगर हम प्रश्न करें तो नीचे की नीचे गुणा, नीचे वाली संख्याएं हैं उनकी नीचे गुणा तथा क्रॉस कैंची गुणा कर लेते हैं। जैसे 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 3, 9 प्लस 5 × 4 = 5×20, तो इस प्रकार 29/15 हमारा योग आ जाता है। ये लासा विधि है और ये शॉर्टकट विधि है। दोनों विधियों में महत्वपूर्ण अंतर यह है, शॉर्टकट विधि को केवल तब उपयोग में ला सकते हैं जब हम केवल 2 भिन्नों को जोड़ें। यदि 2 से ज़्यादा भिन्नों को जोड़ा जाता है तब लासा विधि का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण और देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है 3/5 + 2/7 - 3/4। प्रश्न करने से पहले एक बात समझना आवश्यक है, भिन्न का जोड़ना तथा घटाना दोनों की विधि एक ही होती हैं, अर्थात भिन्न को जोड़ना और घटाना अलग अलग नहीं होता है। हम भिन्नों को जोड़ें या घटाएं दोनों के लिए लासा विधि और शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक मिश्रित प्रश्न लिया है, यहाँ जोड़ भी है और घटा भी है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम तीनों संख्याएं 5, 7 और 4 का लासा लेते हैं। लासा लेने के लिए 5, 7, 4 तीनों सहभाज्य संख्याएं हैं, आपस में नहीं कट रही हैं, इसीलिए इनका जो लासा आएगा वो 5 × 7 × 4 होगा, 5 × 7 × 4। यदि हम 5 को रोकें तो 7 × 4 से हम 3 की गुणा कर देंगे, 7 × 4 = 28, 28 की गुणा 3 से करने पर 84 प्राप्त होते हैं। प्लस अब 7 को रोक लेंगे तो 5 × 20, 20 की गुणा 2 से करने पर 40 प्राप्त होते हैं। माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देते हैं, इसीलिए कहा जोड़ना घटाना अलग अलग नहीं होता है। अब 4 है तो 4 को रोक लेंगे, 7 × 5 = 35, और 35 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे तो 105 आते हैं। इस प्रकार हमें 84 + 40 = 124 - 105/5 प्राप्त होती है, 5 × 7 × 4, 124 में से 105 घटाने पर 19 बचेंगे, 5 × 7 × 4। 19 ना तो 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, तो इन सब की गुणा करके लिख देते हैं, इनकी गुणा करके आएंगे 140। इस प्रकार हमारा योग 19/140 होगा। कुछ प्रश्न इस तरह भी होते हैं, जैसे 3/5 + 2/5, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए हमें ना तो लासा विधि की आवश्यकता है ना शॉर्टकट की आवश्यकता है। यदि हर एक समान होता है तो संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है। 3 प्लस का चिन्ह तो प्लस और 2, 3 + 2 = 5/5, 5 × 5 = 5, इसका उत्तर होगा 1। कुछ प्रश्न और देखेंगे हम। 3/5 + 2/7, इस प्रश्न को करने के लिए हमने देखा हर अलग अलग हैं, इसीलिए हम शॉर्टकट विधि लगा रहे हैं। 5 × 7 = 35, 7 × 3 = 21 प्लस 5 × 2 = 10, 21 × 10 = 31/35। अगला चौथा प्रश्न है 1/4 + 2/3, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा करते समय अंश तथा हर आपस में यदि विभाज्य हैं, कटने योग्य हैं तो कट जाते हैं। जैसे मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं 4/5, 15/16 × 12/17,
इनकी हमें भिन्नों की गुणा करके बतानी है। तो हमने देखा ऊपर से नीचे की संख्याएं एक दूसरे से कट जाती हैं, नीचे नीचे वाली मित्र हैं, ऊपर ऊपर वाली मित्र हैं, लेकिन नीचे से ऊपर वाली दुश्मन होती हैं। देखो चार से कटेंगे, चार चौके 16, पाँच तियाँ 15, चार से 12 भी कट रहा है, तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। ऊपर कौन कौन बची संख्याएँ, 3 गुणा 3, और नीचे 1 1 17, एक नहीं लिखते हैं, को 1 एकम 1 17 एकम 17, तो ऊपर हो जाएगा 3 3 9 बटे 17। एक प्रश्न और देखेंगे, 4/5 गुणा माइनस का 3/12 गुणा 17/-18। सबसे पहले तो माइनस देखेंगे, 2 माइनस हैं, माइनस माइनस प्लस कट गए दोनों। अब संख्याएं देखेंगे क्या क्या बची, ऊपर तो हैं 4 गुणा 3 गुणा 17, नीचे 5 गुणा 12 गुणा 18, तो 4 तियाँ 12, 3 एकम 3। अब ऊपर 17 है, 17 किसी से नहीं कट रहा है, तो 17 एकम 17, नीचे 18 5 90, यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है भिन्नों की भाग। तो बच्चों भिन्नों की भाग नहीं की जाती है, अब तो भिन्नों की गुणा ही की जाती है। कैसे, यदि हमें 4/5 में भाग करनी है -3/7 से। दूसरा प्रश्न है 3/5 में भाग करनी है 12/17 से, तो कैसे की जाएगी। सर्वप्रथम आगे वाली भिन्न को जैसे के तैसे रखा जाता है, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल लिया जाता है, और पीछे वाली परिमेय संख्या को पलट कर लिख देते हैं, अर्थात अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। ये हो जाएगा -7/3, चिन्ह से कोई असर नहीं पड़ता है, जहाँ है तहाँ रहने दीजिए। अब यहाँ देखेंगे कुछ संख्या कटेगी ना, तो 3 से 4 कटेगा ना 7, 5 से ना 4 कटेगा ना 7, अगर कट रहा है तो काटेंगे, अन्यथा गुणा करके ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे गुणा करके लिख देते हैं। माइनस का माइनस अकेला है, 4 7 28, 5 3 15। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2, 3/5 ऐसी की ऐसी रहेगी, पहली भिन्न है, भाग का चिन्ह गुणा में आएगा और ये वाली भिन्न पलट कर लिखी जाएगी 17/12। हमने यहाँ देखा 17 किसी से नहीं कटता है और ना 5 किसी से कटता है, 3 से 12 कट जाएंगे, तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ऊपर आ जाएगा 17 एकम 17 बटे 5 चौके 20। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं, इन प्रश्नों को हमें हल करना है। पहला प्रश्न है 2/35 प्लस 3/5 प्लस 3/7, तो सबसे पहले जोड़ घटा एक ही बात होती है, हमें सबसे पहले इन प्रश्नों में हर का लासा लेना है। 35, 5 और 7, हमने कहा 5 के पहाड़े में आता है 35 और 7 के पहाड़े में भी आता है 35, इसीलिए 35 क्या होगा, इसका लासा होगा। 35 का पहाड़ा एक बार पड़ा है 35 एकम 35, तो 2 का पहाड़ा भी वन टाइम एक बार पड़ेंगे 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 5 का पहाड़ा 7 बार पड़ने पर 35 आता है, तो 7 बार ही पहाड़ा पड़ेंगे 3 का, 3 7 21, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 7 का पहाड़ा 5 बार पड़ने पर 35 आता है, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पड़ेंगे 3 5 15, जोड़ लेंगे इन सबको, 15 21 और 2, 5 6 और 2 8 के 8, 2 और 1 3, 38/35, ये हुआ हमारा आंसर। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी लासा लेंगे, 7 और 5 दो बार हैं 7, इसलिए एक बार ही गिनेंगे, 7 और 5 का लासा आ जाएगा 35, 7 5 35, 5 बार पहाड़ा पड़ा, तो 5 का पहाड़ा 5 बार 5 25, माइनस का चिन्ह, 5 7 35, 7 बार पहाड़ा पड़ा, तो 3 7 21, प्लस 7 का पहाड़ा 5 बार पड़ेंगे 7 5 35, तो 1 का पहाड़ा भी 5 बार पड़ेंगे 1 5 5। अब पहले घटा लेंगे या पहले जोड़ लेंगे, एक ही बात है, पहले हमने 25 और 5 दोनों प्लस प्लस के हैं, तो 25 और 5 कितने हो गए 30, घटने वाले कितने हैं 21 बटे संख्या है हर में 35, 30 में से 21 घटाने पर प्राप्त होंगे 9/35 आंसर। अब अगला प्रश्न है गुणा का, जो संख्याएं कट रही हैं उन्हें काट देंगे, माइनस अकेला है, तो सबसे पहले तो बाहर लिख दिया हमने माइनस,
अब देखेंगे दो एकम दो, दो चौके आठ, चार से चार कट गया, तीन किसी से नहीं कट रहा है तो ऊपर तो अकेला तीन है, तीन का तीन रहा, नीचे चार तो कट चुका है, सात चौक अट्ठाईस, उत्तर आ जाएगा माइनस के तीन बटे अट्ठाईस। अगला प्रश्न है भाग का, पैंतीस बटे चौंसठ भाग माइनस के पाँच बटे बत्तीस। तो पहला वाला आगे वाली भिन्न हम ऐसी रहने देते हैं, भाग का चिन्ह घोड़ा में बदल जाएगा और पीछे वाली भिन्न पलट जाती है, अर्थात अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं, यह बत्तीस बटे माइनस पाँच हो जाएगी। देखेंगे कौन कौन सी कट रही हैं, पाँच से कट गया, पाँच सत्ते पैंतीस, बत्तीस कटेगा, बत्तीस एकम बत्तीस, बत्तीस दूनी चौंसठ, अर्थात माइनस जिंदा है एक तो माइनस लगा दिया, सात एकम सात बटे दो, यही प्रश्न का उत्तर होगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, गुणा का प्रश्न तथा ये भाग का प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।